हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल डिफेंस वॉरियर पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सभी भाइयों के लिए जिन्होंने भी यूपी पुलिस 49568 का पेपर दिया था। तो आज फाइनली हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपका रिज़ल्ट जो है वो किस डेट तक आने वाला है और आपका रिज़ल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा। तो आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वीडियो को कहीं भी पॉज मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम इसमें बताएंगे कि आपके फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और आपको नॉर्मलाइजेशन है वो कितना होगा, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, कितने गुना बच्चे पास होंगे, क्या 80% जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं जिनके 80 क्वेश्चन सही हैं क्या वो बच्चे भी पास होंगे कि नहीं। इन सारे टॉपिक्स पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सो लास्ट तक जरूर बनिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दिया ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन कितना होगा और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आपको मैं बता दूँ नॉर्मलाइजेशन का, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे इस बेस पे लगाया जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। अगर आपने मान लीजिए कि 80 क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए हैं, राइट हैं, और आपके 20 क्वेश्चन रॉन्ग हैं, तो आपको इस जो 20 क्वेश्चन रॉन्ग है इसका भी आपको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ जाएगा और इस जो 80 क्वेश्चन आपका राइट है इसका जो है उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस पर डिपेंड ये होता है फाइनली रिजल्ट इसका ये निकलता है कि अगर आपने आपके जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं अगर वो कम से कम होंगे, अगर रॉन्ग क्वेश्चन आपके कम से कम आपने किए हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल आपको खुद पता चल जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपके नंबर्स आपको शो किए जाएंगे तो आपको खुद ही पता होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए होंगे। आपने अभी तक आंसर की तो आप श्योर है कि आपने सभी ने मिला लिया होगा कि आपने कितने क्वेश्चन अभी तक सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, और फाइनल आपको जो निगेटिव मार्किंग करने के बाद आपको जो स्कोर बनना है यानी रॉ मार्क्स आपको जो बन रहे हैं वो कितना बन रहा है आपको, ये चीज़ तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप नॉर्मलाइजेशन खुद देख लीजिएगा आपका फ़ायदा कितना हुआ है, कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिला है, और आपका दोस्त कोई है जो आपसे कम क्वेश्चन रॉन्ग किया है, ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग किया है, उसको कितना फ़ायदा हुआ, तो आप खुद इस चीज़ को देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं किस शिफ्ट में कितना फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, जो शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो 4 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था, 27 और 28 को 2 शिफ्ट में ये कंडक्ट करवाया गया था, 27 जनवरी और 28 जनवरी को। ठीक है, तो ये 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा है जो सबसे ज़्यादा होगा तो ये 27 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट और 28 की सेकंड जो शिफ्ट थी, ये जो शिफ्ट हैं इनको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम था मतलब जिनका जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ही टफ तो नहीं ज़्यादा बोलेंगे, जो टाइम टेकिंग होता है एक चीज़ कि टाइम मैनेजमेंट होता है, तो इनका जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन पेपर था, कि अगर जिस बच्चे की स्पीड अच्छी खासी रहेगी शायद ही उस बच्चे ने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाया, क्योंकि तो मैंने इसमें देखा है जो 27 और 28 के जो बच्चे थे इन्होंने इनकी सबसे जो सेकंड शिफ्ट 28 की और 27 शिफ्ट फर्स्ट की जो बच्चे थे इनकी बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी इस बात के लेकर कि पूरा क्वेश्चन पेपर तक अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने होते हैं, वो पूरा 150 क्वेश्चन तक पहुँच नहीं पाए, तो उनको यहाँ पर जब क्वेश्चन ही नहीं यहाँ तक अटेम्प्ट कर पाए तो दोबारा उनको रिवाइज़ करने का भी टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो 27 फर्स्ट शिफ्ट और 28 सेकंड शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपके। अगर आप इन बच्चों को यहाँ पे अगर 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है 20 नंबर का, तो आप ये मान के चलिए तो आपको यहाँ से 10 से 15 नंबर का आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, आपको 10 से 15 नंबर के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है, इस चीज़ को आप बिल्कुल मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा श्योर 100% है कि इन्हीं बच्चों का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन
का जो फ़ायदा होगा वो इनको ही मिलेगा। क्योंकि एक इनकी बात एक और आती है, जो 27 फर्स्ट के शिफ्ट के बच्चे थे, इनको ये तो तक नहीं पता था कि उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है आखिर वो किस पैटर्न का होने वाला है। यानी जो 27 तारीख के जो बच्चे थे उनको अपना एग्ज़ाम के पैटर्न वैटर्न कुछ भी नहीं मालूम होने वाला था। उसके बाद जब एक बार एग्ज़ाम हो जाता है तो अदर बच्चों को जो अदर शिफ्ट होती है उनमें से बहुत सारे बच्चों को पता चलता था कि हाँ किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसा क्वेश्चन पेपर आया, टाइम टेकिंग क्वेश्चन पेपर है या फिर इजी क्वेश्चन पेपर है, तो सारी चीज़ें बाद में पता चलने लगती हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में इनको कुछ भी नहीं पता था, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इन्हीं बच्चों को मिलने वाला है। जैसा कि लास्ट ईयर 2018 जून में इन बच्चों को ज़्यादा अनुशन का फ़ायदा मिला था जिनके फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो इस तरह से इसमें भी यही इसी पे भी यही हाल होने वाला था। अब नेक्स्ट टॉपिक बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली, तो कट ऑफ आपकी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने कट ऑफ यहाँ पे जो है मैंने क्वेश्चन के हिसाब से लिया, अगर अगर आप निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद अगर आपके इतने क्वेश्चन बनते हैं तो मानिएगा कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो आप चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने 88 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 88 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मतलब ये है कि आपने निगेटिव मार्किंग हटा दी, यानी आपने मान के चलिए आपने 100 क्वेश्चन किए, 100 में से आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, ठीक है। 10 क्वेश्चन गलत करने का मतलब आपको यहाँ पे 2.5 का आपको नुकसान होगा, ठीक है। 2.5 क्वेश्चंस का आपका नुकसान हो, 2.5 क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पे आपको कम से कम 10 नंबर का पूरा पूरा श्योर है कि आपको नुकसान हो गया। सॉरी, यहाँ पे आपको 5 नंबर का यहाँ पे नुकसान आपका हो गया, ठीक है। तो आपको ये जो 5 नंबर का नुकसान हुआ इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने निगेटिव मार्किंग अपने करके हटा दिया है, तो अगर निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद आपका 88 क्वेश्चन बनना है या इससे ज़्यादा बनना है, तो आप श्योर मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अब बस आप रनिंग की तैयारी कीजिए। और अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं, अगर आप 85+ क्वेश्चन कर पाते हैं निगेटिव मार्किंग के, अगर 85+ क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं, सही हैं आपके क्वेश्चन, तो अभी मान के चलिए कि आपको वर्दी 100% मिल जाएगी। इस पर कोई देवराय नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना है RPF के बच्चे निकल गए, SSC GD के बच्चे निकल गए, जिस और यहाँ पे 41,000 तो पहले ही बच्चे निकल गए, बहुत सारे सिलेक्शन हो गए, ग्रुप डी के भी जो बच्चे थे वो निकल गए, तो यहाँ पे जो एकदम क्रीम लेयर तो बिल्कुल हट गया। अगर आपके 85 क्वेश्चन हैं तो आपको श्योर मान के चलिए आपको सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ऐसी कैटेगरी से आते हैं और आपके 80+ या 81+ हैं या फिर 81 ही हैं, तो आपको श्योर 100% आपको मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन नहीं होता तो आप फिर से आके मुझे कमेंट मेरे चैनल पे आके बताइएगा आप कि नहीं हुआ। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आपने इतने क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग के बाद आप बनते हैं तो आपको श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और RST कैटेगरी से हैं तो आपका अगर 78 क्वेश्चन आपने अटैम्प किए हैं निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, अगर 78 क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आपको भी 100% श्योर है सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इस पर कोई दोराय नहीं, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बस आपको यहाँ पे देरी क्या किस चीज़ की है कि आपको यहाँ पे जो रनिंग अपने है जो उसको स्टार्ट कर देना है। आपको यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है आपको यहाँ पे रिटेन, आपने रिटेन कर दिया, अब आपको यहाँ पर होता है आपका फिज़िकल, तो आपको यहाँ पे अपना फिज़िकल आपको बचता है, तो अब आपको यहाँ पे अपने फिज़िकल की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके इतने क्वेश्चन या इतने आपने आप लोगों के इतने क्वेश्चन अपने कैटेगरी के हिसाब से बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फिज़िकल की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और आप फिज़िकल तैयारी कर लीजिए। आपको एक बार बता दूँगा कि रिज़ल्ट जैसे ही इसी माह में 100% से हो रहा है कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, सितंबर में ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट आने के बाद आपको मैक्सिमम आप 15 से 20 दिन का मैक्सिमम आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, 20 दिन का, कि आपको 20 दिन की रनिंग के लिए और DB के लिए 20 दिन बाद आपको यहाँ पर रनिंग आपको DB यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं देगा। तो इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सभी टॉपिक्स पर बात कर ली। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, नीचे आपको कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई 100% मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो लेटेस्ट वीडियोस जो अपडेट्स हैं सबसे पहले आप तक मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।